सब गाइस देख जिगर के चल रहे तेरे भाई के बल्ले बल्ले। तो आज वो सो के उठ गया और आज बहुत सारे काम है मेरे को। पहले तो भाई इनकी चिक चिक से मैं डेली उठ जाता हूँ भाई। ये देख ना कर रहे कबूतर लड़ रहे हैं। हाँ आवाज सुन रहे हैं। कालू की आवाज है ना ये बहुत ऐसी कर रहा है। देखो और सबसे ज्यादा ये उद्यमी है कालू। डॉलर चुपचाप बैठा ये कालू आके देखो उसके उंगल करेगी काट। तो भाई सुनेगी कॉफी पीते हुए दिल्ली का युवा। तो अभी निकलते काम करते कॉफी पी लो। सो गाइस मैं अभी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गया हूँ और मेरे को सबसे पहले अपना चेक कराना है मैकबुक। जब भी मैं कोई चीज सेकंड हैंड खरीद, देखो भाई अपन इतने अमीर तो है नहीं कि ब्रांड न्यू चीज ले 2 लाख का लैपटॉप ले। तो उसको मेरे अच्छे लिंक्स हैं, लोग रिगार्ड करते हैं, तो मैं सेकंड हैंड ले लेता हूँ और अच्छी डील मिल जाती है मेरे को। तो मैंने ये जो कल वाले ब्लॉग में देखा हुआ मैं मैकबुक खरीद के लाया था, तो ये मैकबुक मैं सेटिस्फाई हूँ वैसे। बट मैं एक बार कंपनी जरूर चेक कराता हूँ अपने गैजेट्स की ओरिजिनल है, क्या क्या चेंजेस है मेरे को पता लग जाता है। तो मैं सर्विस सेंटर चेंज करा गया फिर खाना खाता हूँ। ठीक है चेक करा के आ रहा ठीक है। तो भाई बिल्कुल पीस ओके है, मैंने सर्विस सेंटर से मैं हमेशा चेक कराता हूँ। बिल्कुल ओके पीस भाई, बिल्कुल ओके पीस। तो इनके क्या करते हैं एप्पल में सबसे बढ़िया चीज होती है कि भाई ये लगाते हैं स्कैनिंग पे लगाते पूरी रिपोर्ट बता देता है। अभी तो इसका एप्पल का केयर प्लस भी है, इसका भी कितना 7 दिन का बचा है, तो मैंने चेक करा लो तो ओके रिपोर्ट है। तो अब एडिटिंग में मजा आ गया भाई। सो अभी गाइज मैं आ गया था घर, हमारा मैकबुक तो बिल्कुल ओके है। तो अभी हमारे पे 5 सिस्टम हो गए हैं। वो कर रहा है जिसपे लैपटॉप पे अभी मेरा रेंडर निकल रहा है, एक ये हो गया ठीक है, एक मैकबुक है जो अभी मैं लेके आया, इसमें एक मेरा कंप्यूटर दूसरा एडिटर पे ठीक है, एक अक्षत का लैपटॉप है। तो इतने सारे अब अपन ने ना भाई 4 चैनलों पे एडिटिंग होती है, हमारे 3 एडिटर हैं, तो काम बहुत बढ़ चुका है ठीक है। तो अभी हमारा ओए ओए फूफा ओए तैयार हो गए, कहाँ जा रहा है? नितिन भी आ गया, तू चला जा नेपाल। तो ये हमारे भाई गाँव वो नेपाल जा रहा है, तो अपन इसके लिए सामान दे के आते हैं। पर नहीं फट गई भाई, ये हमारे गार्ड साहब के बच्चे, ये ले भाई नेपाल जा रहे हैं। नेपाल कहाँ है पदम भाई साहब, इधर आओ। तो भाई ये जा रहे हैं नेपाल। नेपाल क्यों जा रहे हो भाई? नेपाल क्यों जा रहे हो ये बताओ पहले। वहाँ गांव में भूकंप आया, भूकंप में तो घर गिरा दिया भैया, इसलिए जाना। तेरा घर पूरा खराब हो गया? तभी तो जाना। तो तेरे घर वाले किस कहाँ रह रहे हैं अभी? बस अभी किसी घर में बैठा रखा हूँ। अभी किसी और के घर में बैठे हैं? तो अभी घर बनवाएगा वो, क्या करेगा? इसको बनवाना पड़ेगा। तो भाई कौन से गाँव में आया था भूकंप, कौन सा गाँव है तेरा? मेरा भाई बाजूरा है। बाजूरा है, ये कहाँ पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये टनकपुर से है ना, टनकपुर के पास। टनकपुर टनकपुर से कितनी दूर है? 700-800 किलोमीटर टनकपुर से। तो तू फोटो वीडियो बना के लाइयो कि घर कैसा हो गया क्या है, ठीक है? मैं फोटो वीडियो यूट्यूब पे दिखाऊंगा। अरे भाई बस से जा रहा है? बस से जाना पड़ेगा। तो बस से नेपाल, फिर नेपाल से दूसरी बस है? वहाँ से दूसरी। चलो तो भाई ये मेरे को बोल रहा है 2-3 महीने बाद आएगा, जब मकान को बनवाने के बाद आएगा, जब पूरा रेडी हो जाएगा, क्लियर करके आऊंगा। अच्छा क्लियर करके आएगा। हाँ। तो बच्चों का स्कूल वूल कैसे होगा भाई? स्कूल तो आगे जल्दी भेज दूंगा ना। अच्छा ये तुरंत आ जाएंगे, 1-2 महीने में आ जाएंगे। तो भाई पैसे कौन दे रहा है भाई पूरा घर बनाने के? पैसा क्या करे भाई, अभी इधर आप उधार करके लगाना। ये भाई बता रहे नेपाल में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कह रहे हैं हर 3-4 महीने में प्रधानमंत्री बदलता रहता है। और नेटवर्क का इशू है, बिजली का इशू है, पानी का इशू है, हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती? गवर्नमेंट तो वहाँ उतने दूर जाता भी नहीं है, वहाँ पहले देखा नहीं होगा, सिर्फ हमारा चल जाते एक नेपाल के नागरिकता के एक वोट बस वही उनको वही मतलब है। तो भाई ये कह रहे हैं भाई वहाँ के लोगों पे तो कपड़े भी नहीं है, खाना खरीदने के पैसे नहीं है, 6 महीने के खाना नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे, खाना के लिए फिर हमले आना पड़ता है, इंडिया में आना पड़ता है, तब तो हम यहाँ से कमा के रोटी खा सकते हैं। अच्छा जब भी मैं देखता हूँ जितनी भी लेबर है ना भाई नेपाल से आते हैं और सस्ती सस्ती होती है ना। तो भाई वहाँ पे नेट भी कमजोर है क्या? चलता है भाई, नेट तो चलता है। अटक जब यहाँ की जैसी नहीं चलता है, वहाँ बहुत स्लो चलता है, 3G चलता है, अभी तो 4G भी काम, 5G का जो ये मुझे ये फेसबुक देख नहीं पाता, मुझे आता नहीं वहाँ। रिचार्ज कराओगे ना? जैसे मानो 5-10 का कितने का रिचार्ज आता है, घंटे के हिसाब से बंद हो जाता है। अच्छा जी, आधा घंटे भी लगता नहीं मुझे, आता ही नहीं वो कंपनी का। भाई गलत बात है, इसका मतलब वहाँ लोगों पे पैसे है लेकिन सुविधा ही नहीं है जो गवर्नमेंट देती है, जहाँ 5G अनलिमिटेड आता है। 200-250 पूरा महीना, पूरा महीना। तो भाई इसी बात पे जय मोदी कर दे एक बारी, जय मोदी। ये
सो गाइस अभी अपन जा रहे हैं हमारी मौसी के घर। किस लिए जा रहे हैं? आज दौड़ है ना, तो तुम टीका करवाने जा रहे हैं। ये आज तो दोनों कुत्ते नहाए थे, आपने व्लॉग नहीं बनाया इनका नहाते हुए? है? नहीं। अरे यार कुत्ते नहीं जाते टीका करवाने? देखो देखो ये जब जाने की कहता है ना तो ऐसे कुत्ता ही है। कालू आजा, तू भी आजा, तू कैसे रहेगी कालू? आजा आज ले चले इनको, बहुत दिन से हमको ले भी नहीं गए। कालू आजा, कालू को बंद करके आई होगी अंदर तो आ क्यों नहीं रहा है? खालू मैं बुलाऊं भागे हुए आता है, पहली बार ऐसा हुआ है नहीं। कहा है कालू? वहां सो रही थी। आ गई कालू, कल्लो रानी मेरी। हाँ चलो चल रहे हैं। ये देखो डॉलर बेताबूसा हो जाता है। ये देखो कभी कभी तो इसका मन करता निकलो यहाँ। हाँ निकलो, बोर हो जाते हैं ना बेचारे घर पे पड़े पड़े, तो अपन इनको ले जा रहे हैं। नहीं तो चुपचाप बैठ जाता, बिल बिल आ रहा है। देखो 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 कैसे कूद। चलो पहले अच्छा लीच डाल के इसको नीचे छोड़ना, ये खींच के ले जाइए। देखना इसको डॉलर को लीच बांध के खींचना बहुत पसंद है। क्या चल रहा? ये हमारी छोटी ना बहुत मक्कार है, डॉलर को टॉर्चर कर रही है। देखो ये बहुत ज्यादा, ये देखो देखो देखो, ये कह रही है चल कुत्ते तेरे को मैं घुमाऊंगा। ये क्या खेल चल रहा है फिल्मी सा? एक छोटे से कुत्ते को नहीं खींच पा रहा तू? ये देखो डॉलर, वो फीमेल है मेल है तो हमेशा ना भाई आदमी की डोर हमेशा फीमेल पे ही होती है। देखो आज कहावत सच हो गई। ये देखो उसके मुंह से चूट की भाग रही है वो, खींच कह रही है साले तू नहीं जाएगा बाहर, लड़की बाजी करेगा तू बाहर। ये देखो घर के अंदर खींच के लाएगी। तो भाई अपन जाएंगे सीएनजी की टियागो से पेट्रोल बचाते हुए। तो भाई अभी अपन रूबी और अपन आ गए हैं भाई फ्रॉक लेने, जो मेरी भांजियां हैं इनके लिए, क्योंकि उनके घर जा रहे हैं ना तो उनके लिए शॉपिंग करते हैं, फ्रॉक फ्रूक लेते हैं और चलते हैं। तो मम्मी डॉलर को लेके जा रही है वहाँ, या मैं रूबी को लेके जा रहा हूँ? दोनों को पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तो भाई साल में एक दो बारी लेके जाता हूँ बाहर, मेरे पे टाइम ही नहीं होता, अपने व्लॉगिंग में बिजी रहता हूँ। तो भाई अभी अपन ने ले लिया ड्रेस है ना भाई, क्या दिख रहा भाई? ओ, क्या मंजर है भाई। तो अभी अपन जा रहे हैं मेरी दीदी के घर और राइट में पड़ता है एयरपोर्ट, तो ये सबसे सही रोड लगती है भाई मेरे को यहाँ की। दिवाली के बाद ना अब थोड़ा ट्रैफिक हल्का हुआ है भाई, अब थोड़ा जान में जान आई कि हाँ चलने लायक गाड़ी इतनी हुई है मेरी भाई। तो बेसिकली गाइस क्या है, कल मेरे दो काम है और कल अपन जा रहे हैं थियोक शिमला से एक ऊपर एक गांव है, बहुत यूनिक गांव है, वहाँ बढ़िया व्लॉगिंग करने जा रहा हूँ। फिर वहाँ से सीधा अपन जाएंगे अपनी सुपर बाइक लेने पंजाब में। बहुत टाइम से कह रहा हूँ जाऊँगा जाऊँगा बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली क्या है, जितने भी फेस्टिवल सीजन आए ना तो जो ओनर है ना भाई, ओनर के चक्कर में डिले हो रही है। वो कह रहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब मैं भैया के पास वहाँ जा रहा हूँ, मैं बहन दूध बनाने जा रहा हूँ, दूध बनाने जा रहा हूँ, अब दिवाली है फलाना है। तो अब फाइनली सारे फेस्टिवल ओवर हो गए, तब ओनर भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, तो सारे दोस्तों के साथ मैं थियोक जा रहा हूँ। सारे मतलब सारे दोस्त जा रहे हैं, उनके बाद डायरेक्ट मैं पंजाब निकल जाऊँगा बाइक लेके, फिर अपन आएंगे। तो ऐसा सीन है आने के तीन चार वाले ब्लॉग में, यही सीन होने वाला है। देखो डॉलर को बाहर घुसा रहा है। ओए डॉलर, ओए पी 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 पी, अंदर आ। कालू यहाँ सो रहा है भाई, कालू का आएगी उल्टी, जब भी गाड़ी में आता है ना इसको उल्टी आने लग जाती है। अब देखते हैं उल्टी करता है कि नहीं करता दीदी के घर पहुंचने तक। डॉलर तो पूरा खिड़की से लिपट गया है, देख रही हो मम्मी? पूरा पता नहीं क्या देख रहा है, क्या देख रहा रे? ओए तू अंदर आ जा रे, ठंड लग जाएगी, छीकेगा पूरी रात, अंदर अंदर बैठे उड़ जाएगा। अरे पूछेगा तुझसे? अब नहीं पूछेगा। भाई कर दिया नाश, कर दी उल्टी है। देखो अभी और कर रही है, और कर रही है, रोकू क्या? और बिल्कुल एंड में करी है, जस्ट वो वाला घर है दीदी का, यही कर दी भाई। कहना भाई हर बारी यही है, उल्टी कर देती है। खाना नहीं खाया ना, ये देखो भाई पूरे उल्टी कर दी। पानी तो वो रही मौसी, हाँ खोलो गेट, खोलो यार आया हूँ मैं। ये देखो कैसे भाग रहा है डॉलर, चल 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 चल, तो आ गया है मुझे। तो ये रहा डॉलर, डॉलर जा तेरे को छोड़ दिया, चल 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 चल, डॉलर को छोड़ दूँ, छोड़ दूँ, गया गया अंदर गया। आ जा भैया आ जा, क्या हाल है सी? नमस्ते मौसी। ये भी आ गई, रूबी भी आ गई, कितने खुश हो रहे हैं बच्चे। तो भाई ये रूबी के साथ बच्चे खेल रहे हैं भाई। अंसी भी बड़ी हो गई है पहले से, अंसी हाँ ले लो ले लो, हाँ ले लो ले लो, अंसी रखेगी रख लेगी अंसी तो, हाँ कह रही है छोड़ दू, रख ले भाई अर्णव रख लेगा पक्का। ओ भाई इसको उठा लिया, कल्लो को उठा लिया अंसी ने। अंसी कल्लो कैसी लगी? अंसी डॉलर ज्यादा अच्छा लगा या कल्लो? हैं कल्लू अच्छा, तेरे को डॉलर ज्यादा अच्छा लगता है या कल्लू?
कर लू दोनों, मेरे को भी दोनों भाई। ये देखो भाई कितना प्यार कर रही है दीदी, इसको देखना कितना अच्छा लगा। हम इसको रख ले, अरे सुबह से इसने हाथ नहीं लगाया जब से आया है। भाई कितना प्यार कर रही है उसको देखो। अरे हमारे डॉलर की तो इज्जत कम हो गई बेचारी की। तो भाई अभी हमारा क्या हो रहा है? टीका हो रहा है। अंशी मेरी प्यारी बहन करेगी, मेरी मौसी की लड़की है ये। करियो करियो, तेरा हो गया टीका। कर दे अंशी ऐसे ऊपर करो, किसे गल देखो करियो। बहन मेरी तरह ही है बिल्कुल। राइस लगाओ, राइस करती आ रही है, वो मस्ती करती आ रही है। ये देखो जब छोटे बच्चे करते हैं ऐसे 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 करो। कौन सा कार्टून दिखाने लगी हो? राइस को ऐसे ऐसे करो, देख तो पैर छुपा ले यार ये वहां का। नहीं नहीं छोटी है, छोटी बहन पैर नहीं छुपती। अरे छोटी नहीं छुपती, छोटी के तो छू लेते हैं। हाँ, अब तू पैर छू, तू पैर छू बहन के पैर। ये लो भाई बैर के पैर छूते हैं ये छुटी। भाई मेरी बहन तो खेलने लग गई, दे देना गिफ्ट लाया था मैं उसके लिए। ठीक है। और ये बेसन के लड्डू कहीं और से आए थे, मैंने आपको दे दिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, खरीद के लाओ। हाँ सर ये आपको लगता है ऐसा करूंगा मैं आपके? अरे यार मेरी इज्जत ही नहीं है भाई मेरे घर में। अच्छा अच्छा कसम का हुआ, सुनो आपने कभी अभी ऐसा करा कि किसी और का गिफ्ट किसी और को? सोन पपड़ी जितनी बेची थी मैंने बहुत उसे सुना है, सोन पपड़ी है ना वो आलो चलती है 6-6 महीने तक। आ जा ना टीका करवा इससे, मतलब करेगा कालू का टीका। आ जा हमारी कालू का टीका कर दे बेटा, आ जा कर दे किसी घर, किसी घर पहले। बहन नहीं है तेरी? है बहन नहीं, आ जा बैठ बैठ बैठ। ये कर रहा है हमारी कालू का ले टीका हो गया, टीका ये लगा आशीर्वाद लग गया, ये हो गया टीका। मैं इसकी बीवी ला रहा हूँ, बहन बनवा दो। टीका कर रहे हैं, कालू कर रहा है डॉलर का टीका। चल अब किसी कर रहा कालू, ये किसी कर रहा है। ये देखो ये भाई बहन मिल गए हैं ये दोनों, देखो। मन मर जाती है। अभी रूबी का भाई है ऑफिशियल। भाई अपने को मिला यहाँ से गिफ्ट, भाई बहुत तगड़ा जूता मिला है भाई, अभी घर जाके अनबॉक्स करेंगे इसको, तो घर जाके दिखाऊंगा क्या मिला अपने को। तो भाई मजा आ गया भाई आज तो, ये शूज मिल के देख के ना भाई। नीचे पटाखे फोड़ते हैं आज। सो गाइस अभी अपन चला रहे हैं पटाखे इसकी। देखो भाई ये भी गुड़गांव में ना भाई पॉश एरिया में रहता भाई। तो भाई अभी जला रहा है ये बच्चा, चक्री जला रहा भाई। इसने बोला नहीं मेरे घर पे इतने पटाखे पड़े थे, मैं दे देता यार। हाँ यार मैं तो भूल ही गया। दूसरी भी रख दे, दूसरी भी जल जाएगी। भाई जल गई, जल गई भाई। कहाँ से लाए ये पटाखे? चक्री जली गई, जल गई लेकिन घूमी नहीं थी। ओ भाई जल गई, जल गई, जल गई, चक्री जल गई। ये कूदो सारे भाई, कितना खुश हो रहे। ये भी अटक गया। ओ जल गया। दिवाली आई, दिवाली आई बहन जी, दिवाली आ गई। हैप्पी दिवाली बहन जी। ये लो मम्मी लो डॉलर भागा, डॉलर अब तो डॉलर भागा कुत्ते। डॉलर को ना पटाखों से बहुत डर लगता है, कहाँ पर आया बेचारा। तो अभी लास्ट पटाखे फोड़ रहे हैं, हम फोड़ेंगे नहीं उसके बाद, तो अभी चलते हैं भाई। अच्छा लग रहा है। तो भाई अभी अपन आ गए हैं घर, और इसके मुंह से ना झाग आने लग गया, दिखाइए रूबी। हाँ जब इसके मुंह से झाग आता है ना समझ लो इसको उल्टी आने वाली है, दिखा दे इसके मुंह पे झाग ही झाग हो गए। रूबी आ जाइए इधर, देख इधर देख इधर, ये देखो इसके पूरे मुंह से झाग ही झाग हो गए। इसको ना फोबिया है गाड़ी में, देखो पूरे मुंह से झाग ही झाग बेचारी की। शिमला में, और जैसे आप लोग पूछ रहे होंगे भाई इंस्टा पे स्टोरी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो हम सारे ना शिमला में है भाई। तो हम अपारखेड़ा के साथ और चार पांच थारे आई हैं, एक येरी और एक ये है कैंपर। स्पीकर आ रहा भाई, अभी हम जा रहे हैं कोट जंगलों में भाई पार्टी करने, और हमारे साथ भाभी जी भी हैं, मनीषा भी है। तो भाई कल से ना भाई शिमला के ब्लॉग्स की सीरीज चालू हो जाएगी, आपको हल्की सी झलक दिखा दो, देखते हैं कहाँ जाते हो। अभी आपको दिखा दो जंगलों में जाए जा रहे हैं, जंगलों में पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, यहाँ लग गई गाड़ी। तो भाई वो रही अपारखेड़ा की गाड़ी, और यहाँ पे करेंगे भयंकर पार्टी। तो सारे भाई कर रहे हैं, भाभी जी का हाथ जल गया जा रहा है ना।
चलो लेकिन है ना एक बात बताओ हाँ। हम हाथ कैसे जला, वो एक हॉरर स्टोरी स्टोरी है, वो अगले व्लॉग में पता लगेगा आपको। ये हमारी गाड़ियाँ लग चुकी है, एक यहाँ लगी है एक वहाँ लगी है और यहाँ पे करेंगे अपन बॉनफायर। और भाई चारों तरफ जंगल है भाई, चारों तरफ जंगल है भाई, चारों तरफ भयंकर जंगल। ये देख रहे हो भाई, चांद तारे दिख रहे हैं भाई, यहाँ पे पार्टी करने वाले अपन। तो इसी के साथ ये गाइस वीडियो एंड करते हैं। और ये पूरा यार मसाला आपको अभी थोड़ी दिखाऊंगा, कैसी रही ट्रिप? ये बहुत अच्छी रही और है ना बहुत है ना अलग एक्सपीरियंस था इस जगह का, क्योंकि हमने नई चीज एक्सप्लोर करी है। हाँ ये तो है भाई, ऐसा व्लॉग आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा हो। हाँ। तो कल सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, कल वाला व्लॉग जरूर देखो। कमेंट करके बताना आपको जगह कैसी लगी। ये तो है भाई, करते हैं भाई।